सर्बिया की एम्बेसी ने बगावत की इमरान खान सरकार के खिलाफ, अब अर्जेंटीना की एम्बेसी ने बगावत की, फोटो डाली इमरान खान की और बोला कि हमें ये फाइनल हो पाएगी। मतलब एक एम्बेसी जो कि जिसका काम है दूतावास, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, अपने गवर्नमेंट के स्टैंड को अर्जेंटीना के सामने, दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट के सामने रखने का, वो अर्जेंटीना में बैठ के अर्जेंटीना की या किसी और की भाषा बोले कि आप हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट इसको हटाओ, तब हमारा कंट्री बेटर होगा और ये डील फाइनल कर पाएंगे। मुझे नहीं पता ये बगावत कहां से आई और कैसे आई, लेकिन ऐसा ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना के इंस्टाग्राम पोस्ट पे इमरान खान की और उनके ऑफिसर की फोटो के साथ डाला गया है। ये एक कहानी ये कि JF-17 की डील, जो कि काफी दिन से कोशिश हो रही थी कि JF-17 अर्जेंटीना खरीद ले, बातचीत चल रही थी, एम्बेसी, एक और एम्बेसी ने ट्वीट भी कर दिया था कि डील फाइनल हो गई, अर्जेंटीना को बाहर आकर के बोलना पड़ा कि नहीं, हमने अभी तक कोई फाइनल नहीं किया है, हम सारे कंसिडर कर रहे हैं। इसके लिए हमारा तेजस भी था हमारा तेजस जो है वो भी एक कंटेंडर था, क्योंकि अर्जेंटीना की, क्योंकि एक एम्बेसी पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया, उसने पहले ही ट्वीट मार दिया था कि हम जीत गए और हमने बेच दिया। उस पर अर्जेंटीना की एम्बेसी जो है, मतलब पाकिस्तानी एम्बेसी टू अर्जेंटीना, वो अपने गुणगान करने लगी होगी कि हो गया काम, अब तो निकल गई कहानी, ये खबर कहां से आई, पता नहीं किसने कराई। लेकिन सच ये कि इसी साल, मतलब अभी 2 महीने पहले अक्टूबर में एक खबर आई थी कि JF-17 में अब अर्जेंटीना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो रशिया के साथ बात कर रहा है एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री डील के लिए, और वो अब रशिया के मिग या सुखोई में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो वहां से खरीदेगा, सस्ता भी पड़ेगा, और पाकिस्तान के तो चाइनीज माल है, उसे भी पता है अब चाइनीज माल न खरीदना ज्यादा अच्छा है उसके लिए। इनफैक्ट इंडिया का जो तेजस है, अभी तो अपने लिए ही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस भी उस लाइन में था, लेकिन अभी तक तेजस का भी कुछ हमें होता नहीं देखा। लेकिन हमारी एम्बेसी ने नहीं ट्वीट किया, हमारी एम्बेसी ने ट्वीट किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, तब हम यहाँ आपके बेच पाएंगे। एम्बेसीज आर वर्किंग, एम्बेसीज काम करती हैं और वो सरकार की डायरेक्शंस पे काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, वो सरकार को डायरेक्ट करने लगी कि यार तुम अपना मुखिया चेंज करो, तब हम ये डील फाइनल कर पाएंगे। भाई साहब क्या करती है एम्बेसी, एम्बेसी किस काम के लिए होती है? और इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी क्या कम हो रही है, क्योंकि इमरान खान केपी में इलेक्शन हार गए हैं और इमरान खान ने यह भी कहा है कि हमने तो दहशतगर्दी की जंग डॉलरों के लिए लड़ी है। इस वक्त यू आर नॉट अ प्लेयर देयर एनीमोर, तभी तो धमकियां भी आपको आ रही हैं वहां से, तभी तो आपको वहां से धमकियां आ रही हैं, और यही वजह है, उनको आपकी जरूरत नहीं है। और दूसरा इस वक्त इशू यह है, ना सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तानियों पर, अफगानी तालिबान भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आप दुनिया में एक ही चीज मशहूर, आपका ट्रेडमार्क है डबल गेम का, कि आप डबल गेम खेलते हैं, आप बताते कुछ है करते कुछ है। देखे ना खान साहब आए, अब देखे खान साहब के 3 साल देख ले, कंटेनर पे चढ़े हैं इन्होंने, और वो क्या था, वो भट साहब थे, डीजे भट जो था, उसने गाने लगा लगा तसल्ली कर दी थी, आज की तरह आप रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें हैं। देखे 3 साल में आपके पीटीआई के कारकुन बेचारे कंफ्यूज है, नर्वस है, वो नहीं ट्रस्ट करते आप पे कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर ये हालात हो तो मेरे को दुनिया किस तरह आप पे इत्मार करेगी, और फिर जाहिर है वो पठान भी नहीं इतवार करते, वो भी कहते हैं हमें पैसे दिखाओ हमारा मूड बने, क्योंकि उनके भी हालात, वो उनका भी, मैं मेरा एक क्वेश्चन मार्क है आपके देखने वालों के लिए, चीमा साहब 73 साल पाकिस्तान में इतना पैसा बाहर से गया जिसकी हद कोई नहीं, वो पहला पैसा किधर गया? बिल्कुल इसी तरह अफगानिस्तान में पैसा गया, पहले रशिया पैसा पंप करता रहा, फिर अमेरिका पैसा पंप करता रहा, वो पैसा किधर गया? स्कूल बनाए इन्होंने, सड़कें बनाई इन्होंने, हॉस्पिटल बनाए, क्या बनाया वहां? कोई प्रैक्टिकल दीवार दिखा दे मुझे, को प्रैक्टिकल फैक्ट्रियां दिखा दें। तो अगर 73 साल का पाकिस्तान में पैसा आके नहीं रुक सका, तो आगे आप लेके पैसा क्या करेंगे बाहर से? बिल्कुल उसी तरह अफगानिस्तान में हर वॉरलॉर्ड जो है, एक तो उनमें एक मुश्तरका चीज है कि सारे हाजी नमाजी हैं, सारे वॉरलॉर्ड सारे इस वक्त पोस्ट कास्ट कर रहे हैं, इस वक्त उनका बिल्कुल उनका दैट इज द उनका प्लान बी जो है वो सिर्फ इस वक्त अपना वो बना रहे ओपीएड आपकी पोस्ट कास्ट हो रही है, और एक नई ड्रग है मैथ है उसकी फैक्ट्रियां लग रही है बिल्कुल। 350-3000 किलोग्राम डेली बेस पे मैथ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, और वो सारे देखिए अगर ये चीजें बाहर से पैसा जाता रहा है, 75% आपका बजट बाहर से पैसा, लेकिन वो पैसा क्या किधर?
रशियन एम्बेसी ने, रशियन एम्बेसी के सफारतकार की यह रिपोर्ट थी कि गनी साहब 69 मिलियन डॉलर लेके भागे वहां से कैश। ये रशियन एम्बेसडर एम्बेसडर एम्बेसी में से किसी डिप्लोमेट ने ये बात निकाली थी। मैं कहता हूं सच हो झूठ हो, कारजाई साहब का तो मुझे पता है क्योंकि मैं खास कर एक ऐसे, मैंने बताया था ऐसे शहर में बैठा हूं क्योंकि दोनों लोग यहां से गए थे बाल्टीमोर से। कारजाई साहब का यहाँ रेस्टोरेंट था जिसका नाम इनके जो सूबे का नाम है वो था, और दूसरा गनी साहब जान हापकर में यहां पढ़ाते थे। तो जो पढ़ाता प्रोफेसर गया उसकी कितनी प्रॉपर्टियां होनी है ये रेस्टोरेंट वालों की, लेकिन अब वो मेरा मसल बिलियनर है। तो ये तो एक अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हर अमेरिकन को यहां पता था कि कारजाई फैमिली ने पैसे वहां से बनाए। अब मैं कहता हूं 33 बिलियन डॉलर तो हमारे आते ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के बारे में ट्वीट कर दी थी। मैं वो 33 बिलियन ही दिखा दे कहां गया है, वो आपने क्या बनाया जो आप आज मांग रहे हैं। बल्कि आप, मुझे याद है मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अभी कि इस वक्त आपके डेट के क्या हालात है, आपके बहुत बुरे हालात है। मैं कहता हूं खान साहब 6 बिलियन IMF का भी ले लें, एक पैसा नहीं यहां रुकेगा पाकिस्तान में, वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। क्योंकि खान साहब के अपने प्राइम मिनिस्टर फंड में से 40 अरब रुपया निकल चुका है और वो अभी तक उसके बारे में वो ना रसीद, वो बात ही नहीं करना चाहते उसमें। तो ये एक अलमिया है इन दोनों ममालिक का। ये मेरा ख्याल है जब तक ये लोकल लोग नहीं इन चीजों को देखेंगे करेंगे, जब तक कौमियत नहीं आएगी, जब तक कोई लीडर ऐसा नहीं आएगा जो सिंसियर हो, जिसको को अच्छी टीम मिल सके। खास अब हो सकता है खुद ठीक हो, लेकिन बेचारे कई दफा गिला कर चुके हैं कि माफियाज उनसे कंट्रोल में नहीं है, उनको अच्छी टीम नहीं मिली है, वो सही सर्कमस्टांसेस नहीं थे। लेकिन अच्छे लीडर की तरह फिर तौलिया फेंक के निकल जाते हैं ना, कौम को कहते हैं कि मुझसे नहीं चल रहा, मैं ये नहीं हो रहा मुझसे, मैं हट जाते साइड पे। अब वो जितना वहां रह रहे हैं अपने, वो जो आपकी छोटी थोड़ी बहुत उनकी पॉपुलैरिटी थी, आपने सुबह सरहद की पहले बात की है, टीपी की में जो इलेक्शन हुआ है, पेशावर उनका गढ़ था, मरदान उनका गढ़ था, नुशहरा उनका गढ़ था, और बल्कि इन्हीं के कैंडिडेटों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जो जीत गए। पीटीआई का नाम लेके जिस तरह बीबी मरियम नवाज ने आज एक नया लतीफा छोड़ा है कि अब पीटीआई का जिसको टिकट देंगे साथ हेलमेट भी देना चाहिए कि हेलमेट पहन के जाए अपने हल्के में। तो वो मेरा मकसद है, जहां से आप अगर ग्रास रूट जहां से आप शुरू हुए हैं, जहां लोगों ने आपको दो दफा वोट दिए हैं, वहां से आपकी रिजेक्शन आ रही है। बल्कि एक और नई चीज में चीमा साहब जो मेरे एक नजर में से गुजरी है कि महंगाई, ये कह रहे हैं बहाना ये भी कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम लूज कर रहे हैं, महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेनन है, महंगाई नहीं आपकी पूर गवर्नेंस है। आप सूबा सरहद के जो आप अपने चीफ मिनिस्टर साहब देखें, वो बुजदार जूनियर है, वो इस वक्त आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो बुजदार सीनियर है वो। तो मेरा मकसद है कि जब आपकी स्ट्रेटजी ये हो कि अपनी सारी चीजें चाबियां आपने अपने पास रखनी है और वहां पे सिर्फ रिमोट बिठाने हैं, तो इस तरह कौन फिर किस तरह चलेगी, वो पूरी गवर्नेंस चल रही है, आपके पास ना टीम है ना आप टीम रखना चाहते हैं। तो ये इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त तो हम बहुत ही अजीब हालात में फंस चुके हैं। आपके खान साहब की अपनी तकरीर का हिस्सा है कि हमारी इकॉनमी इतनी नीचे जा चुकी है और जो कि सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। बाकी जब आपके पास अपने मुलाजमों को चीजों को तनख्वाहें देने के लिए ना हो तो सिक्योरिटी थ्रेट ही, तो वो बाकी आप इन हालात में पहुंच चुके हैं।